सीमर घर में अकेले काफ़ी बोर होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना कुछ समय के लिए प्रीता के घर जाया जाए। तब वो वहाँ जाती है और प्रीता से ढेर सारी बातें करती है। तभी बातों बातों में प्रीता उससे कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं अपना बर्थडे आउट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करने वाली हूँ। प्रज्ञा की ये बात सुनने के बाद सीमर को याद आता है कि उसका भी बर्थडे जल्द ही आने वाला है, जिसके बारे में सीमर प्रज्ञा को खबर देती है और कहती है कि 18 फरवरी को मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं उस बर्थडे पर अपने बर्थडे पार्टी रखने वाली हूँ, आप भी उस पार्टी में इनवाइट हैं। तब प्रज्ञा कहती है कि मैं तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे खूब इंजॉय करना। इस तरह की कई बातें करने के बाद सीमर अपने घर वापस लौटती है और अपनी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगती है, जिसमें वो खाने पीने की चीज़ों में कोई रेड कलर इन्वॉल्व नहीं करती और उस पार्टी में रोली, अंजलि और निर्मला देवी को इनवाइट कर लेती है। 18 फरवरी की रात रोली, अंजलि और निर्मला देवी सीमर की बर्थडे पार्टी पर पहुंचती हैं और उस पार्टी को खूब इंजॉय करती है। साथ मिलकर सभी खूब डांस करते हैं, खाना खाते हैं और ड्रिंक का भी खूब मज़ा लेते हैं। इसी बीच सीमर को कुछ अजीब सा एहसास होता है और उसे पता चलता है कि उसकी पार्टी में मौजूद रोली, अंजलि और निर्मला देवी में से कोई एक चुड़ैल है। लेकिन बहुत मशक्कत करने के बावजूद भी सीमर इस सवाल का जवाब पहचान नहीं पा रही थी कि आखिरकार रोली, अंजलि और निर्मला देवी में से कौन चुड़ैल है। पर कुछ देर हो जाने के बाद सीमर इस सवाल का जवाब पहचान लेती है। तो दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि रोली, अंजलि और निर्मला देवी में से चुड़ैल कौन है? अगर हाँ, तो आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। सीमर पहचान जाती है कि रोली, अंजलि और निर्मला देवी में से चुड़ैल अंजलि है, और वो इसलिए क्योंकि सीमर ने अपनी बर्थडे पार्टी में रेड ड्रिंक जैसा कोई आइटम नहीं रखा था, लेकिन अंजलि के पास जो गिलास है उसमें रेड ड्रिंक होती है, यानी कि वो ड्रिंक नहीं बल्कि खून है और अंजलि चुड़ैल है, तभी वो खून पी रही है, जिससे सीमर तुरंत जान जाती है कि असल में अंजलि ही चुड़ैल है। वेल दोस्तों, क्या इस 10 सेकंड में आप इस मज़ेदार सवाल का जवाब पहचान गए थे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और नई पहेलियों के जवाब ढूंढने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।